हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है एटकॉम 1.5, दैट इज द कैडावर एज आवर फर्स्ट टीचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए जो जो सब क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने को। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, दैट इज व्हाई कैडावर इज आवर फर्स्ट टीचर, व्हाई इट इज आवर फर्स्ट टीचर। सो दोस्तों, जैसे कि अपने को पता है पूरे MBBS में टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं। उन सभी सब्जेक्ट में से एनाटॉमी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होती है उससे उसका पहला एक्सपोजर इज बिकॉज ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं इसलिए अपने को फर्स्ट टाइम एक्सपोजर मिलता है टू द ह्यूमन बॉडी। एंड जो भी अपने बिलीव्स होते हैं, जो भी कुछ होता है थॉट्स उसके रिलेटेड, उन सबको ओवरकम करने में हेल्प करता है एनाटॉमी। फिर जो ग्रेट सुश्रुता था वो खुद ये कहता था कि अगर इस फील्ड में किसी को स्किलफुल होना है, किसी को एक ग्रेट सर्जन बनना है, देन ही शुड बी गुड इन एनाटॉमी, ही शुड बी एन एनाटॉमिस्ट फर्स्ट। एनाटॉमी उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर अपने को आइडिया ही नहीं होगी कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो अपने को फंक्शनिंग कैसे समझेगा उसका। इसलिए अगर हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है और फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसलिए कैडावर अपना फर्स्ट टीचर है। एंड अगर कैडावर होगा ही नहीं तो पूरा मेडिकल एजुकेशन रुक जाएगा, क्योंकि विदाउट कैडावर यू कांट बी लर्निंग एनीथिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी। आपको समझेगा ही नहीं, आप विजुअलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो क्या ही सीखेंगे आप। और कैडावर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, कैडावर्स हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जैसे कि बाकी चीज़ें कर सकते हैं। सो दोस्तों, जो कैडावर डाइसेक्शन है ये सालों से चला आ रहा है, कोई ऐसे अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ टेक्निक नहीं है। बहुत सालों से कैडावर का डाइसेक्शन करके ह्यूमंस ने मेडिकल नॉलेज बिल्ड किया है। ठीक है, कैडावर डाइसेक्शन प्रैक्टिस करके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी टू ग्रास्प द थ्री डायमेंशनल एनाटॉमी एंड इननुमरेबल वेरिएशन। सबकी बॉडी सेम तो नहीं होती, बहुत सारे वेरिएशंस है, कुछ मेल्स में प्रेजेंट है, कुछ फीमेल्स में प्रेजेंट है। ये सभी चीज़ें विदाउट डाइसेक्शन आप सीख नहीं सकते, इसलिए जो कैडावर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मेडिकल स्टूडेंट के लाइफ में, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कैडावर्स आज आवर फर्स्ट टीचर्स। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो अगला क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में। थैंक यू।